ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସର ସୁପ୍ରିମୋ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବୁଧବାର ବାରାଣାସୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମମତା ଦଶାଶ୍ୱମେଧ ଘାଟରେ ଆରତୀ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ବିଜେପି ସମର୍ଥକମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ମମତା ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ ନାରା ଲଗାଇଥିଲେ। ମମତାଙ୍କୁ କଳା ପତାକା ଦେଖାଇବା ନେଇ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେବା ସହ ତାଙ୍କୁ ଉପହାସ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୋଦି ମୋଦିର ନାରାବାଜି କରୁଥିଲେ ବିଜେପି ସମର୍ଥକ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ମମତା ଦିଦି କହି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଘାଟର ସିଡ଼ି ଉପରେ ବସିଯାଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ଆରତୀ ବସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧ କାରଣରୁ ମମତା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସିଡ଼ିରେ ବସିଯାଇଥିଲେ। ଭିଡ଼କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ଖୁବ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟିରେ ଟିଏମ୍ସି ନେତା ଲତିକେଶ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଆରତୀ ବେଳେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ସେ ପରମ୍ପରାଗତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆରତୀ ଦେଖିଥିଲେ, ଯେପରି ପୂର୍ବରୁ ଘାଟରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ବନାରସରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା ସେଥିରେ ସେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବାରାଣାସୀରେ ଗୁରୁବାର ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ସହିତ ଏକ ରାଲି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋଲକାତା ଫେରିବେ। ବାରାଣାସୀ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ର। ମମତା କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଓ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବାରାଣାସୀ ଆସିଛି। और मेरे को बोलता है आप वापस जाओ। तो मैंने सोचा कि ये लोग गया, ये पूरा विदाय और चला गया राजनैतिक को चलवासी, उसको हारना मौजूद है। इसी के लिए मैं एक मीटिंग में आ रहा था, तुम्हारा क्या है, हमको कहता है तुम वापस जाओ। मैंने क्या किया, मैं इतना डरते नहीं है, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं लड़ाकू हूं। और लड़ते लड़ते मेरे को जिंदगी में बहुत दफे सीपीएम मेरे को पिटाया, मेरे को बहुत दफे गोली चलाया, मेरे को बहुत दफे गंडा डंडा मारा, मैं कभी झुका नहीं। काल जी ये लोग जब मेरे को ऐसा गाली दे रहा था तो मैंने गाड़ी से उतारा, मैंने गाड़ी से उतारा और उतार के हम कुछ दफे खड़ा रहा ऐसा कि मेरे को देखना है तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारा क्या शक्ति है हम देख सकते हैं, तुम्हारा कितना साहस है हम देख सकते हैं, तुम तो डरपोक हो डरपोक। मैंने देखा थोड़ा बीजेपी का वर्कर जिसको दिमाग में कुछ नहीं है, फोड़ना तोड़ना छोड़ के और कुछ नहीं है, और मेरे को गाड़ी रुक दिया, मेरे को गाड़ी में डंडा मारा, मेरे को गाड़ी में धक्का मारा और मेरे को बोलता है आप वापस जाओ। तो मैंने सोचा कि ये लोग गया, ये पूरा विदाय और चला गया राजनैतिक को चलवासी, उसको हारना मौजूद है। इसी के लिए मैं एक मीटिंग में आ रहा होता है, तुम्हारा क्या है, हमको कहता है तुम वापस जाओ। मैंने क्या किया, मैं इतना डरते नहीं है, मैं डरपोक नहीं हूं, मैं लड़ाकू हूं। और लड़ते लड़ते मेरे को जिंदगी में बहुत दफे सीपीएम मेरे को पिटाया, मेरे को बहुत दफे गोली चलाया, मेरे को बहुत दफे गंडा डंडा मारा, मैं कभी झुका नहीं। काल भी ये लोग जब मेरे को ऐसा गाली दे रहा था तो मैंने गाड़ी से उतारा, मैंने गाड़ी से उतारा। रिपोर्ट सकल खबर।